हार्दिक अभिनंदन दोस्तों। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश, जिसमें हम लोग सबसे पहले पोएट्री सेक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में यह सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको पोएट्री सेक्शन का नाम के साथ आपको राइटर है, राइटर सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि मैं इसमें आपको कवि का बॉर्न और डेथ भी शामिल किया हूँ, साथ साथ उनकी काउंटी को भी शामिल किया गया है। इससे यह फायदा आपको होगा कि ताकि आप इसमें बोलने से आपको 10 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें 5 नंबर का आपको मैचिंग रहेगा और आपको 5 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। इससे आसानी से अगर याद रखते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर का नाम है पोएट्री सेक्शन का जो पहला है वह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, जिसका आपको राइटर है जोहन डॉन, जिनका जन्म आपको 1572 और इनका डेट है 1631, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको दूसरे नंबर में आ जाते हैं सॉन्ग ऑफ सेल्फ, जिनका वेट विटामिन इनका लेखक है जो इनका बॉर्न है 1819, जिनका डेट आपको 1892, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे आ जाते हैं नाउ द लिप्स आर द फेलिंग फास्ट, जिसका राइटर आपको है डब्ल्यू एच हुडे, जिनका जन्म आपको 1907 और इनका जो डेट है वो आपको 1973, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको फोर नंबर में आ जाते हैं ओड टू ऑटोमैन, जिनका राइटर है आपको जोहान किट्स, जिनका बॉर्न आपको 1795 और इनका डेट आपको 1821 है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद आपको जो 5 नंबर में है वो आपको है एन इपिथा, जिसका राइटर है वाल्टर डी ला मारा, जो जिनका बर्न आपको 1873 है और इनका जो डेट है वो 1956 है और जो आपको इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको 6 नंबर जो है द सोल्डर है, जिसका राइटर आपको रुपेट ब्रुक है, बुक जिसका बर्न आपको 1887, जो इनका डेट आपको 1915 है, जो इंग्लैंड का रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद आपको 7 नंबर है मैकविटी द माई स्ट्रिंग कैट, जिसका आपको राइटर है टी एस इलोट, जो इनका जन्म आपको 1888, आपको जिनका डेट आपको 1965 है, जो इंग्लैंड का रहने वाले हैं। उसके बाद आपको 1 नंबर देखा जाए तो फायर हाइमन है, जिनका राइटर है दोस्तों केकी एन दारूवाला, जिनका बर्न आपको 1937 है, जो इंग्लैंड करण इनका इनका अभी डेथ नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर डेथ शामिल नहीं किया दोस्तों। उसके बाद आपको 9 नंबर है जो स्नेक, जिसका राइटर आपको राइटर है डी एच लार्वेंस, जिनका जन्म आपको 1885 और डेट आपको 1930 है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको 10 नंबर है माई ग्रैंड मदर हाउस, जो जिसका राइटर आपको कमला दास है, जो इनका बर्न आपको 1934 और इनका डेट 2009, जो इंडिया का रहने वाले, यानी हमारे देश भारत का रहने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी प्रॉब्लम दूर हो सके। जितना हो सके उतना फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।